साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार अभिनेता प्रभास अब बड़े बजट की फिल्मों से करना चाहते हैं तौबा। खास तौर पर प्रभास साउथ इंडस्ट्री में अपनी बड़े बजट की फिल्मों के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने पिछले 6 साल में लगातार 3 बड़े बजट की फिल्में की हैं। पहले बाहुबली, फिर बाहुबली 2 और अब साहो। बाहुबली 2 की रिलीज के बाद प्रभास आगामी 30 अगस्त को एक बार फिर बड़े पर्दे पर जबरदस्त एक्शन अवतार में नजर आने वाले हैं। उनकी यह फिल्म कई भाषाओं में बनाई गई है और इससे कई बड़े स्टार्स काम कर रहे हैं। फिल्म को भारत में अब तक बनी सबसे महंगी फिल्मों में से एक बताया जा रहा है। बात करें प्रभास की फिल्मों की तो उन्होंने पिछले 6 साल में केवल 3 फिल्में की हैं, लेकिन अब प्रभास बड़े बजट की फिल्मों से तौबा करने का मन बना रहे हैं। उनका मानना है कि बड़े बजट की फिल्मों में काम करना थका देने वाला होता है। ऐसी फिल्मों के प्रोडक्शन में काफी टाइम लगता है। बड़े बजट की फिल्में करने के समय में आसानी से 2-3 फिल्में की जा सकती हैं। प्रभास के इस कमेंट के बाद माना जा रहा है कि अब वह ज्यादा बड़े बजट की फिल्मों से तौबा कर सकते हैं। प्रभास से जब पूछा गया कि उनकी आने वाली फिल्म भी क्या बाहुबली की तरह हिट होगी, तो उन्होंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि साहो हिट साबित होगी जितनी की बाहुबली। फैंस को भी ये फिल्म काफी पसंद आएगी। प्रभास ने हिंदी सीखने को लेकर कहा कि मैंने श्रद्धा कपूर से काफी हिंदी सीखी है। और उन्हें तमिल सिखाई है। फिल्म का एक डायलॉग जो मेरा पसंदीदा है, मैं उसे बहुत ही रवानगी से बोल लेता हूँ। गली क्रिकेट में तो सब तेंदुलकर हैं, असली टैलेंट वह होता है जो भरे मैदान से बाहर सिक्सर मार सके। प्रभास ने कहा कि एक कलाकार को अटेंशन पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मगर मैं स्वभाव से बहुत शर्मिला और एकांत प्रिय हूँ। मैं अपने गिने चुने दोस्तों, फिल्मी सर्किल और परिवार के साथ रहना पसंद करता हूँ। कई क्रेजी फैंस से पाला पड़ता है, मगर एक बार एक लड़की घर से भागकर हमारे घर आ गई और कहने लगी कि वह शादी करेंगी तो सिर्फ मुझसे। मैं घबरा गया। मैंने माँ को बुलाया और बड़ी मुश्किल से समझा बुझा कर उस लड़की को वापिस भेजा। बात करें साहो की स्टार कास्ट की तो प्रभास के अलावा श्रद्धा कपूर, नील नितिन मुकेश, मंदिरा बेदी, जैकी श्रॉफ, चंकी पांडे, मुरली शर्मा और महेश मांजरेकर जैसे बड़े सितारे भी दिखाई देंगे। एक्शन से भरपूर ये फिल्म आने वाले 30 अगस्त को रिलीज होने जा रही है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और चैनल पत्रिका एंटरटेनमेंट, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें।